हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुमेरपुर के छात्र संघ का निकला स्वाभिमान जुलूस। महाविद्यालय छात्र संघ के हुए चुनावों में विजयी छात्र संघ पैनल के शनिवार को स्वाभिमान जुलूस धूमधाम से निकला। जुलूस नगर के महाविद्यालय से प्रदेश प्रतिनिधि पूरा राम सीरवी के सानिध्य में जुलूस राजगुरु सर्किल होते हुए जवाई बांध रोड से नगर पालिका पहुंचा। बाद में मेन मार्केट होते हुए गांधी मूर्ति से पाली बस स्टैंड से होते हुए महाविद्यालय तक रहा, जिसमें छात्र संघ चुनाव विजय हुए छात्र संघ समिति के अध्यक्ष का जगह जगह पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं रैली का पूरा नजारा नगरवासी देखते रहे। पैनल के चुनावों में अध्यक्ष पद पर गजेंद्र दहिया, उपाध्यक्ष पद पर करण कुमार, महासचिव पद पर जगतपाल सिंह और संयुक्त सचिव पद पर सुमित्रा विजयी रहे। संयोजक भगवान दास सिंद्रू ने नेतृत्व में NSUI और ABVP को मात देकर छात्र संघर्ष समिति के खड़े उम्मीदवारों का दबदबा रहा। प्रदेश प्रतिनिधि सीरवी के प्रयासों से पैनल के विजयी पदाधिकारियों ने सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं मौके पर संयोजक भगवान दास सिंद्रू ने कहा कि छात्र हितों के प्रति संघर्ष समिति ध्यान देंगे। इस मौके पर प्रदेश प्रतिनिधि भूरा राम सीरवी ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनावों में विजय उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, जिससे उनको हार का सामना करना पड़ा। छात्र संघ के पैनल की NSUI के प्रति निष्ठा थी, अध्यक्ष रखते हुए फिर से दामन थामा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष भंवर सिंह चौधरी ने कहा कि स्थानीय उम्मीदवार को छात्र संघ का पैनल सहयोग करेगा। वहीं बाबू सिंह राणावत ने कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होना बताया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रतिनिधि सीवी मजदूर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश, SBC के प्रदेशाध्यक्ष प्रेमा राम दिवासी, नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष भंवर लाल चौधरी, सरपंच देवतरा सुमेर सिंह, करण सिंह मेड़तिया सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।